कौन कहता है कि पानी चलनी में नहीं रुक सकता, बर्फ बनने का इंतजार तो करो। अर्थात पेशेंस, हार्ड वर्क करते रहो और पेशेंस रखो। तो वंदे मातरम स्टूडेंट्स, तो नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट बेसिक रेडिकल्स ऑफ सेकेंड ग्रुप। तो आज हम सेकेंड ग्रुप के बेसिक रेडिकल स्टार्ट करेंगे। कैसे आपको उसका टेस्ट लगाना है, जीरो ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप हम ऑलरेडी कर चुके हैं बेटा। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेकेंड ग्रुप। तो सेकेंड ग्रुप में आपको याद है सभी को बेसिक रेडिकल ऑफ सेकेंड ग्रुप, बेसिक रेडिकल्स। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट बेसिक रेडिकल्स सेकेंड ग्रुप। तो इन सेकेंड ग्रुप यू ऑलरेडी लर्न दैट व्हेन वी पास H2S गैस इन डाइल्यूट HCl, ओके, इन ओरिजिनल सॉल्यूशन। तो आपको याद होगा ओरिजिनल सॉल्यूशन हमने कैसे बनाया था, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस डाइल्यूट HCl एंड हीट, दिस इज कॉल्ड द ओरिजिनल सॉल्यूशन। नाउ एट डाइल्यूट HCl, फर्स्ट ग्रुप रिएजेंट, नो पीपीटी, देन अगेन H2S गैस इज पास, इफ पीपीटी इज ऑब्टेंड। तो आपको जो पीपीटी मिलेगा वो बेटा किस किस कलर का मिलेगा, कलर के अकॉर्डिंग हम कौन कौन से रेडिकल्स होते हैं बता सकते हैं। तो यहाँ जो आपको पीपीटी मिलेगा वो डिफरेंट कलर के पीपीटी मिलेंगे, ब्राउन कलर, येलो कलर, ऑरेंज कलर। तो आपको प्रेसिपिटेट मिलेगा किस किस कलर का होगा, वो ऑरेंज हो सकता है, ओके, येलो हो सकता है एंड ब्राउन। विच एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन सेकेंड ग्रुप, Pb2+, Hg2+, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, Cu2+ एंड Cadmium2+, Bismuth3+, Arsenic3+, Sn2+, Sn3+ एंड एंटीमनी Sb3+, ओके, आर्सेनिक, कैडमियम। इन दोनों का जो पीपीटी का कलर होगा वो बेटा कैसा होगा, येलो। एंटीमनी इसका होगा ऑरेंज, ये ऑरेंज पीपीटी है। आर्सेनिक एंड कैडमियम येलो पीपीटी, Sn का ब्राउन पीपीटी होगा, कॉपर कैडमियम देर इज ब्राउन पीपीटी। तो येलो पीपीटी कैडमियम आर्सेनिक एंड ब्राउन पीपीटी, तो पीबी कॉपर बिस्मिथ Sn दीज आर द ब्राउन पीपीटी, ओके। तो जैसे ही आपने H2S गैस पास करी आपको प्रेसिपिटेट मिल जाएगा, कोई भी कलर हो सकता है पीपीटी का। तब आप आगे क्या करेंगे बेटा, अब इस प्रेसिपिटेट में हमें येलो अमोनियम सल्फाइड ऐड करना है और उसे आप हीट करेंगे। नाउ ऐड द येलो अमोनियम सल्फाइड एंड हीट इट। तो व्हाट हैपन, तो पीपीटी में आप कौन सा रिएजेंट डालोगे, येलो, ये एक रिएजेंट है जिसे आपको याद रखना है, येलो अमोनियम सल्फाइड, ओके। इफ पीपीटी इज डिजॉल्व, अब देर इज अगेन टू कंडीशन, अगर आपका पीपीटी डिजॉल्व हो जाता है तो कौन सा ग्रुप होगा बेटा, सेकेंड बी होगा। इफ पीपीटी इज नॉट डिजॉल्व यू गेट द रेजिड्यू। रेजिड्यू मीन्स प्रेसिपिटेट आपको अगर मिलता है तो इट मीन्स सेकेंड ए इज प्रेजेंट। सेकेंड बी में आपको बता चुकी हूँ कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, कौन कौन से बेसिक रेडिकल हैं, आर्सेनिक आपको लर्न करना है, आर्सेनिक, एंटीमनी Sb3+ एंड Sn2+ और Sn3+। तो दीज आर द सेकेंड बी जो डिजोल्व हो जाएगा। विच आर नॉट डिजोल्व, Pb2+,
Hg 2 plus Cu 2 plus Pb 2 plus and cadmium 2 plus. तो जनरली आपको लर्न करना है Pb 2 plus. ओके अगेन रिपीट हो गया Cu 2 plus. जनरली आपको दिया जाता है आर्सेनिक इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो आर्सेनिक आपका इंपॉर्टेंट है. तो लेट्स सी प्रेसिपिटेट में आप येलो अमोनियम सल्फाइड ऐड करें. अगर प्रेसिपिटेट आपका डिजोल्व हो जाता है तो इट मींस आर्सेनिक होगा. एंटीमनी SN और SN3 प्लस हो सकता है. नॉट डिजोल्व सेकेंड ए पीबी एच जी सी यू कॉपर कैडमियम एंड बिस्मिथ Bi 3 प्लस. दीज आर प्रेजेंट इन सेकेंड ए. अब पहले हम सेकेंड ए की स्टडी करेंगे फिर सेकेंड बी की करेंगे. अब प्रेसिपिटेट आपके पास नॉट डिजोल्व है यहाँ से आपको स्टार्ट करना है. ठीक है विच प्रेसिपिटेट इज नॉट डिजोल्व. अब इसे आपको डिजोल्व कैसे करेंगे जो डिजोल्व नहीं है उसको हमें डिजोल्व करना है. तो आप इसे करेंगे एसिड ऐड करेंगे डायल्यूट HNO3 या में आप इसे बॉइल करें. तो ऐड द डायल्यूट HNO3 एंड बॉइल इट. अब आपने बॉइल कर दिया. अब बॉइल करने के बाद क्या होगा बेटा अगर ये प्रेसिपिटेट आपका ब्लैक में कन्वर्ट हो जाता है. इफ प्रेसिपिटेट इज बिकम इन ब्लैक अगर आपका प्रेसिपिटेट ब्लैक हो गया तो इट मीन्स एच जी टू प्लस इज प्रेजेंट. नहीं हुआ इट मीन्स फिल्ट्रेट है आपके पास देर इज नो पीपीटी. नो पीपीटी फिल्ट्रेट बोलेंगे बेटा. अगर कोई पीपीटी नहीं होता तो उसको हम फिल्ट्रेट कहते हैं. अब फिल्ट्रेट में आपके पास कौन सा बचा एच जी तो अलग हो गया. अगर ब्लैक पीपीटी है तो सी यू पी बी कैडमियम बिस्मिथ इनमें से कोई भी एक हो सकता है. चारों आप लिख लें पी बी टू प्लस हो सकता है कैडमियम टू प्लस हो सकता है सी यू टू प्लस हो सकता है बिस्मिथ थ्री प्लस होता है. यहाँ तक समझ में आ गया. जनरली आपको एच जी दिया नहीं जाता आपको तो कॉपर या लेड मिलता है. क्लियर. इन फर्दर क्लासेज एच जी इज गिवन लाइक बी एस सी एम एस सी इन अदर क्लासेज. सो क्लियर. तो डिजोल्व कर लिया अपने पीपीटी को डायल्यूट एच एन ओ थ्री. पहले हम सेकेंड ए ग्रुप की बात कर रहे हैं. वेन वी एड द डायल्यूट एच एन ओ थ्री एंड हीट एंड बॉइल इट इफ ब्लैक पीपीटी इज ऑब्टेंड एच जी टू प्लस इज प्रेजेंट. अब ब्लैक पीपीटी आपको याद होगा हमने फर्स्ट ग्रुप में एच जी टू टू प्लस पढ़ा था. सेम वही है टेस्ट वही होगा. तो एच जी का टेस्ट आपको मैं बता देती हूँ. एच जी का टेस्ट आपको कैसे करना है. ब्लैक पीपीटी से आपको ये आइडिया हो गया कि भाई एच जी हो सकता है. इफ एच जी टू प्लस इज प्रेजेंट हाउ टू आइडेंटिफाई हाउ टू कन्फर्म. तो लेट्स सी अब आप इस पीपीटी को जब भी हमें टेस्ट करना होता है बेटा पीपीटी को हमें डिजोल्व करना पड़ता है. अब ये जो ब्लैक पीपीटी होगा जो एच जी होगा ये किसी भी एसिड में डिजोल्व नहीं हो पाता. तो इसके लिए एक्वा रेजिया बनाना पड़ता है. क्या करते हैं एच जी का टेस्ट अब हम करेंगे. मैं एच जी का टेस्ट आपको बता रही हूँ. एच जी के टेस्ट के लिए इस ब्लैक पीपीटी को हम किस में डिजोल्व करते हैं डिजोल्व इन एक्वा रेजिया. एक्वा रेजिया कैसे बनाते हैं आपको आता है बनाना. वन पार्ट एच एन ओ थ्री एंड थ्री पार्ट कंसेंट्रेट एच सी एल. वन रेशो थ्री में आप दोनों को मिक्स कर दें एक्वा रेजिया हो जाएगा. अब ये जो आपका पीपीटी है वो क्या हो गया बेटा डिजोल्व हो गया. प्रेसिपिटेट डिजोल्व एक्वा रेजिया में सभी प्रेसिपिटेट डिजोल्व हो जाते हैं. ऑल पीपीटी डिजोल्व इन एक्वा रेजिया. अब आपको क्या करना है दो टेस्ट करने होते हैं. अब इस डिजोल्व पार्ट के हम इस डिजोल्व पीपीटी सॉल्यूशन के हम दो पार्ट कर लेते हैं. फर्स्ट पार्ट. फर्स्ट पार्ट में एड द एसेंशियल टू आपको व्हाइट पीपीटी मिलता है. व्हाइट प्रेसिपिटेट कन्वर्ट इन टू ब्लैक कुछ टाइम बाद वो ब्लैक में कन्वर्ट हो गया. सेकेंड पार्ट में आप क्या ऐड करेंगे बेटा कॉपर वायर कॉपर टर्निंग्स पतले पतले कॉपर के वायर होते हैं जिन्हें हम टर्निंग्स भी बोलते हैं. कॉपर वायर को आप ऐड करेंगे तो उस पर व्हाइट कॉटिंग हो जाएगी. व्हाइट कॉटिंग ऑन कॉपर वायर. तो वॉट इज द कन्फर्मेशन एच जी टू प्लस इज कन्फर्म. इफ एच जी इज गिवन तो यू हैव टू राइट लाइक दिस. अगर आपको एच जी दिया हुआ है तो आप इस तरह मैंशन करेंगे.
सबसे पहले आपको डाइल्यूट HNO3 में डिसॉल्व करना है, ब्लैक पीपीटी मिलेगा, देन ब्लैक पीपीटी डिसॉल्व इन एक्वा रेजिया एंड देन टू पार्ट, इन फर्स्ट पार्ट SNCl2 इज ऐड, व्हाइट पीपीटी टर्न्स इनटू ब्लैक कॉपर वायर ऐड, व्हाइट कोटिंग ऑन कॉपर वायर, तो Hg2+ इज कन्फर्म। ओके, अब आप आ जाए फिल्ट्रेट पर। अगर आपका Hg नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, फिल्ट्रेट से स्टडी करनी पड़ेगी। तो आप नेक्स्ट स्टेप पर आ जाए, आप नोट डाउन कर लेना। नाउ राइट डाउन द नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप आपका कौन सा होगा? फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट को आपको लेना है विच कंटेन पीबी, कैडमियम, कॉपर एंड बिस्मिथ। अब इस फिल्ट्रेट के आप टू पार्ट कर दें। जो अब आपके पास फिल्ट्रेट है, फिल्ट्रेट को आप दो पार्ट में डिवाइड कर दें। ओके, वेर इज इन फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट पार्ट किया, ठीक है, और इसका आपने दूसरा क्या किया बेटा, सेकंड पार्ट। दो पार्ट में आपने डिसॉल्व कर दिया, सेपरेट कर दिया, दो टेस्ट ट्यूब में आपने उसके दो पार्ट कर दिए। फर्स्ट पार्ट में आप क्या ऐड करोगे, डाइल्यूट SpSO4 एंड इथाइल अल्कोहल। ऐड द डाइल्यूट H2SO4 एंड C2H5OH इथाइल अल्कोहल, देन व्हाइट पीपीटी इज फॉर्म, व्हाइट पीपीटी इज फॉर्म विच कन्फर्म द PB2+। तो PB2+ आपका कन्फर्म हो गया एक पार्ट से, ठीक है। अब इस पार्ट व्हाइट पीपीटी को आप डिसॉल्व कर लें। व्हाइट पीपीटी को अगर हम आगे इसमें ऐड कर दें, व्हाइट पीपीटी में अमोनियम एसीटेट प्लस एसिटिक एसिड डिसॉल्व हो जाएगा, आप इसे हीट करेंगे एंड हीट ऐड द पोटेशियम क्रोमेट K2CrO4, येलो प्रेसिपिटेट इज ऑब्टेंड। लेड का टेस्ट तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं फर्स्ट ग्रुप में, येलो पीपीटी इज ऑब्टेंड। आप K2CrO4 की जगह KIV ऐड कर सकते हो। इन बोथ कंडीशन येलो पीपीटी इज फॉर्म, PB2+ इज कन्फर्म। क्लियर? दोबारा देख लें बेटा, फिल्ट्रेट के आपने दो पार्ट किए। फर्स्ट पार्ट में आप डाइल्यूट SpSO4 ऐड करें, इथाइल अल्कोहल ऐड करें, व्हाइट पीपीटी मिलेगा, लेड कन्फर्म, देन ऐड अमोनियम एसीटेट ऑन इन व्हाइट पीपीटी, डिसॉल्व इन एसिटिक एसिड, ऐड हीट K2CrO4 और KI पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन, कोई सा भी आप डाल दें, येलो प्रेसिपिटेट इज ऑब्टेंड विच कन्फर्म द लेड। क्लियर? लेड कन्फर्म हो गया। अब सपोज लेड नहीं है, थोड़ा टिपिकल है पर समझ में आ जाएगा, आप दोबारा रिपीट करें, बार बार में रिविजन करें। अब सेकंड पार्ट पर पहुंच जाते हैं। अब आपका फर्स्ट पार्ट सपोज एब्सेंट है, ठीक है, कौन कौन से एब्सेंट हो गए बेटा, सपोज सेकंड बी भी एब्सेंट है, सेकंड ए में भी आपका लेड एब्सेंट है। अब आपके पास क्या चॉइस बची? अब आप सेकंड पार्ट में क्या ऐड करें, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या ऐड करा हमने? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। नाउ ऐड द सेकंड पार्ट, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब अमोनियम हाइड्रोक्साइड के बाद आपको इसमें कंफर्म करना है कि व्हाइट पीपीटी आता है या कोई पीपीटी नहीं है। तो जैसे आपने अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया बेटा, अगेन टू स्टेप, दो स्टेप होंगे। फर्स्ट व्हाइट पीपीटी आता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट आता है, व्हाइट पीपीटी, ये फ्लो चार्ट आप बना लें, बहुत इंपॉर्टेंट है इन फर्दर क्लासेज, इवन इन BSc MSc। तो व्हाइट पीपीटी आप मिल गया आपको, तो यहाँ आपको आइडिया हो जाएगा बिस्मिथ मे बी प्रेजेंट, हो सकता है। अब आपके पास सपोज कोई पीपीटी नहीं आ रहा, नो प्रेसिपिटेट अमोनियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ हम नो पीपीटी लिख देते हैं बेटा, नो प्रेसिपिटेट। तो पहले हम इसकी बात कर लेते हैं, व्हाइट पीपीटी का काम कर लेते हैं। अगर आपका बिस्मिथ है तो आपको कैसे फर्दर स्टडी करनी है, व्हाइट पीपीटी आपको मिल गया। अब हमारा दूसरा काम क्या होता है, इस प्रेसिपिटेट को डिसॉल्व करना होता है। जैसे HCl में डिसॉल्व कर लिया, HNO3 में डिसॉल्व कर लिया, तो सब वी टेक स्मॉल अमाउंट ऑफ डाइल्यूट HCl एंड हीट इट,
अगर डिजोल्व नहीं होता तो आप उसे हीट करके देखें तो डाइल्यूट HCl में आपने उसे क्या किया, डिजोल्व कर लिया। अब इसके आपके जितने टेस्ट आपको करने होते हैं हम उतने पार्ट कर लेते हैं। तो क्या करोगे बेटा, अब इसमें आप इसका फर्स्ट पार्ट कर लें, इस सॉल्यूशन का आप फर्स्ट पार्ट करें। फर्स्ट पार्ट में आपको क्या ऐड करना है, NaOH एंड सोडियम स्टेनाइट। NaOH ऐड द NaOH प्लस सोडियम सोडियम स्टेनाइट, सोडियम स्टेनाइट सॉल्यूशन आपको ऐड करना है। तो फर्स्ट पार्ट में व्हेन वी ऐड NaOH एंड सोडियम स्टेनाइट देन ब्लैक पीपीटी इज फॉर्म। अब आपको ब्लैक पीपीटी मिलेगा, तो विच कंफर्म द बिस्मिथ, जो क्या कंफर्म करता है, बिस्मिथ। सेकेंड पार्ट में आप क्या करेंगे बेटा, इसी का ही हम सेकेंड पार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट और सेकेंड, ये लेड आपको समझ में आ गया। अब लेड के बाद हम इसी को कंटिन्यू करते हैं। अब इसका सपोज आपने सेकेंड पार्ट किया, सेकेंड पार्ट में आप क्या ऐड करेंगे, वाटर। एक्सिस में आप वाटर ऐड कर दें, इसका एक तो आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट में आपने क्या ऐड करा, वाटर, देन व्हाइट पीपीटी इज फॉर्म विच कन्फर्म द बिस्मिथ। तो विच कन्फर्म द बिस्मिथ, तो आपके बिस्मिथ के दो टेस्ट हो गए, समझ में आ गया। लेड आपको याद रखना है इसमें, एक तो बिस्मिथ के फर्स्ट पार्ट में NaOH, सोडियम स्टेनाइट, सोडियम स्टेनाइट Na2SnO2 फॉर्मूला होता है बेटा। फर्स्ट पार्ट NaOH, सोडियम स्टेनाइट, ब्लैक पीपीटी इज फॉर्म। सेकेंड पार्ट में आप वाटर ऐड करोगे तो व्हाइट पीपीटी इज फॉर्म विच कन्फर्म द बिस्मिथ। सो क्लियर बिस्मिथ, अगर आपका बिस्मिथ आता है तो हमें ये टेस्ट लिखना है, बिस्मिथ नहीं है तो हम कहाँ जाएंगे बेटा, आगे नो पीपीटी पर, इस पर आ जाओ आप। अब नो पीपीटी को कैसे टेस्ट करना है देखो, आप नोट कर लें इसे। अब नो प्रेसिपिटेट पर हम वर्क करेंगे, नो पीपीटी। अब इसमें क्या करना है, एक्सिस में आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाल दें, ठीक है। अगर आपका व्हाइट पीपीटी आता है तो प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन अगर नहीं आता है तो हमें एक्सिस में क्या ऐड करना है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। आप एक्सिस में इसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर दें। अब अगेन देर इज टू कंडीशन, दोबारा यहां दो कंडीशन होगी। फर्स्ट क्या होगी, फर्स्ट कंडीशन द येलोइश, आपको सॉल्यूशन अगर मिलता है येलो, येलोइश एंड ग्रीन सॉल्यूशन, ब्लू सॉल्यूशन, तो इसको आपको येलो सॉल्यूशन या ब्लू सॉल्यूशन मिलता है, ग्रीनिश ब्लू सॉल्यूशन, तो येलोइश या ब्लू सॉल्यूशन मिलता है, ठीक है, ये कंडीशन है। तो येलोइश या ब्लू सॉल्यूशन होता है तो क्या हो सकता है, यहाँ कौन सा कंफर्म होगा, क्या बचा था आपके पास, कैडमियम है और एक कॉपर है। तो येलोइश या ब्लू सॉल्यूशन, कॉपर ब्लू कलर का होता है, जनरली आपका ब्लू सॉल्यूशन मिलेगा, तो मे बी कॉपर, और आपका सॉल्यूशन येलोइश नहीं होता, नो ब्लू कलर, ब्लू सॉल्यूशन नहीं मिलता, तो इट मींस देयर इज नो ब्लू सॉल्यूशन, इट मींस क्या हो सकता है बेटा, कैडमियम, कैडमियम, ठीक है। ब्लू सॉल्यूशन है तो क्या होगा, कॉपर होगा, नो ब्लू सॉल्यूशन या येलोइश सॉल्यूशन नहीं है तो कैडमियम होगा। अब ब्लू सॉल्यूशन आपके पास है, ब्लू सॉल्यूशन के हमें कितने टेस्ट करने हैं, दो टेस्ट करने हैं। अब ब्लू सॉल्यूशन के कौन कौन से टेस्ट होंगे कॉपर के, एक तो आपको चॉकलेट कलर मिलेगा, कैसे मिलेगा, अब ये ब्लू सॉल्यूशन है, इसके हम अगेन दो पार्ट कर देते हैं, ठीक है, मैं इसे ऊपर लिख देती हूँ। ये समझ में आ गया आपको, येलोइश सॉल्यूशन मिला, इस येलोइश सॉल्यूशन के हम टू पार्ट कर देते हैं, क्लियर। येलोइश सॉल्यूशन के हमने दो पार्ट कर दिए, फर्स्ट पार्ट में आपने क्या ऐड किया, पार्ट फर्स्ट,
इसमें आप ऐड कर रहे हैं एसिटिक एसिड CH3COH प्लस पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4FeCN6 पोटेशियम फेरोसाइनाइड। ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है पोटेशियम फेरोसाइनाइड। इसको आपने जैसे ही ऐड किया तो आपको कौन से कलर का पीपीटी मिलेगा? चॉकलेट, चॉकलेट कलर तो सभी जानते हो, चॉकलेट कलर का पीपीटी इज ऑब्टेंड, चॉकलेट पीपीटी। ओके, कॉपर इज कंफर्म। सेकंड है, सेकंड पार्ट में आप क्या करेंगे, आयरन नेल, आयरन की जो कील होती है या आयरन की जो वायर होता है वो आप ले सकते हो, आयरन के वायर ले सकते हो, रोड ले सकते हो कोई भी, और उसमें आप डाइल्यूट एस्ट्रेसोफोर ऐड कर दो बेटा, डाइल्यूट एस्ट्रेसोफोर ऐड कर दो। ये रिएक्शन आप पढ़ते भी हो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और आपको क्या मिलेगा, आयरन वायर पर या नेल पर रेड कॉटिंग हो जाएगी, रिएक्शन हो जाती है, सेल बन जाता है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, रेड कॉटिंग, तो विच कंफर्म Cu2+। तो Cu2+ कंफर्म हो गया। देखें दोबारा, येलो या जो ब्लू सॉल्यूशन, इस पर आप ध्यान दें, कंसंट्रेट ऑन कॉपर, कॉपर जनरली आपको दिया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो येलो इस सॉल्यूशन जब आपको मिलेगा, जब आप सेकंड पार्ट में अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे, एक्सेस में अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे, येलो इस ब्लू सॉल्यूशन इज ऑब्टेंड, देन टू पार्ट, फर्स्ट पार्ट एसिटिक एसिड एंड पोटेशियम फेरोसाइनाइड, चॉकलेट पीपीटी इज ऑब्टेंड, इन सेकेंड पार्ट आयरन नेल डाइल्यूट H2SO4 एंड यू कैन यूज आयरन वायर ऑल्सो, रेड कॉटिंग ऑन आयरन वायर, सो विच दीज कन्फर्म द Cu2+। तो Cu2+ कन्फर्म हो गया। अब सपोज आपका कॉपर नहीं है तो हमें क्या करना है, आगे चलेंगे तो कैडमियम का टेस्ट करना है हमें आगे। सो क्लियर, तो राइट डाउन दीज टेस्ट, नेक्स्ट कैडमियम। अब कैडमियम की हम बात कर लेते हैं, तो हाउ टू टेस्ट द कैडमियम, कैडमियम को कैसे टेस्ट करेंगे। अब आपका जो सॉल्यूशन है उसमें ब्लू कलर नहीं है, देर इज नो ब्लू सॉल्यूशन। अब आप उसमें बेटा H2S गैस पास कराते हैं इन बेसिक मीडियम, बेसिक मीडियम तो ऑलरेडी NH4OH आप डाल ही चुके हैं। तो जैसे ही आप इस सॉल्यूशन में H2S गैस पास करेंगे, H2S गैस इज पास्ड इन अबव सॉल्यूशन, अबव कौन सा, जिसमें आपका नो ब्लू सॉल्यूशन, जिसमें आपका अगर ब्लू सॉल्यूशन नहीं होता है तो आपको ये टेस्ट करना है। तो आपको मिलेगा येलो पीपीटी, येलो प्रेसिटेट विच कंफर्म द कैडमियम। तो इस ग्रुप में आपको मेनली लेड एंड कॉपर लर्न करना है। कॉपर के दो टेस्ट याद कर लें, दो आप लेड के याद कर लें। तो ये आपका हो गया सेकेंड ए ग्रुप। अब हम बात कर लेते हैं सेकेंड बी की। सपोज आपका प्रेसिपिटेट तो आया है लेकिन वो डिजोल्व हो गया येलो अमोनियम सल्फाइड में, तो हमें कौन सी ग्रुप का टेस्ट करना पड़ेगा? इफ प्रेसिपिटेट इज डिजोल्व इन येलो अमोनियम सल्फाइड, सेकेंड बी, सेकेंड बी ग्रुप। तो सेकेंड ए क्लियर हुआ, अब आपको याद करना है सेकेंड बी ग्रुप कैसे लर्न करेंगे। देखिए, तो हाउ टू लर्न द सेकेंड बी ग्रुप। तो सेकेंड बी ग्रुप में आपको मैं बता चुकी हूँ कौन कौन से रेडिकल है, आर्सेनिक, टिन और SN। तो इसमें वेरी इंपॉर्टेंट है आपका आर्सेनिक। तो येलो पीपीटी या सेकेंड बी ग्रुप, ठीक है। तो अब आपका पीपीटी किसी भी कलर का हो, अब आप इसमें क्या ऐड करोगे बेटा, डाइल्यूट HCl एंड हीट, ठीक है, डिजोल्व कर दिया था हमने। अब उसमें आप डाइल्यूट HCl या कंसेंट्रेट HCl आप डालकर उसे हीट करें, तो अगेन आपको यहाँ टू कंडीशन मिलेगी। क्या कंडीशन मिलेगी? फर्स्ट तो आपको रेजिड्यू मिलेगा, किस कलर का रेजिड्यू होगा, येलो, येलो पीपीटी, इसे हम रेजिड्यू बोलते हैं। तो येलो रेजिड्यू मिलता है तो इट मीन्स आर्सेनिक मे बी प्रेजेंट। इफ नो पीपीटी, डाइल्यूट HCl कंसेंट्रेट HCl डालने के बाद कोई भी प्रेसिपिटेट नहीं मिलता तो इट मीन्स SN या एंटीमनी हो सकता है। दो ही पार्ट है आपके, SN या एंटीमनी, तो मे बी SN 2+
SN3+ और SB3+, ओके, SN ब्राउन, एंटीमनी ऑरेंज और आर्सेनिक आपका येलो कलर का होता है। अब आर्सेनिक का टेस्ट मैं अब आपको बता देती हूँ कैसे करना है बेटा। सबसे पहले आप इस येलो रेजिड्यू को डिजोल्व करो, डिजोल्व इन कंसेंट्रेट HNO3, कंसेंट्रेट HNO3 में आप इसे डिजोल्व कर लें, डिजोल्व हो जाएगा, ठीक है। नहीं डिजोल्व होता आप इसे हीट कर लें, इसके बाद ये डिजोल्व हो जाएगा। अब इसके आप जितने आपको टेस्ट लगा रहे हैं उतने आप इसके पार्ट कर लें। तो अगर हमें 2 टेस्ट लगाने हैं तो हम इस सॉल्यूशन के 2 पार्ट कर लेते हैं, फर्स्ट और सेकेंड। फर्स्ट पार्ट में आपको डालना है बेटा, ऐड करना है अमोनियम मॉलिब्डेट, एक सॉल्यूशन है और इसे हम कहते हैं अमोनियम मॉलिब्डेट, अमोनियम मॉलिब्डेट। जैसे ही आप अमोनियम मॉलिब्डेट डालोगे आपको कैनरी येलो प्रेसिपिटेट आपको मिलेगा, तो विच कंफर्म द आर्सेनिक, कैनरी येलो बिल्कुल ब्राइट येलो कलर आपको मिलेगा, उसे हम कहते हैं अमोनियम मॉलिब्डेट। जैसे ही आप ऐड करोगे इट मीन्स आर्सेनिक इज कंफर्म, क्लियर। नाउ सेकेंड पार्ट में आपको बेटा क्या ऐड करना है, अमोनियम कार्बोनेट ऐड कर दें, NH4 2CO3। अमोनियम कार्बोनेट आपने ऐड कर दिया, हीट करें, ठीक है, फिर इसमें आप डाइल्यूट HCl ऐड करें, देन H2S गैस इज पास्ड, अगेन येलो PPT, दोबारा आपको येलो PPT मिलेगा विच कंफर्म द As3+, आर्सेनिक इज कंफर्म। आर्सेनिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, जनरली इज गिवन इन योर एग्जाम। सो सेकेंड ग्रुप के PPT को आपको डाइल्यूट HCl या कंसनट्रेट HCl के साथ हीट करना है, रेजिड्यू मिलेगा येलो मिलता है तो आर्सेनिक होगा, नो PPT तो SN और एंटीमनी हो सकता है, ठीक है। अब इसमें आपको कंसनट्रेट HNO3 ऐड करना है, इसके बाद आप इस हीट करेंगे, देन ऐड अमोनियम मॉलिब्डेट, कैनरी येलो PPT इज ऑब्टेंड। सेकेंड पार्ट में आपको ऐड करना है अमोनियम कार्बोनेट, हीट करना है डाइल्यूट HCl एंड H2S गैस पास करेंगे तो ये आर्सेनिक का येलो PPT आपको ऑब्टेंड होगा, इट मीन्स As3+ या आर्सेनिक इज कन्फर्म। कन्फर्म हो गया बेटा आर्सेनिक। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट पार्ट देखिए, SN SB3+ SN3+ इसका टेस्ट आपको कैसे लगाना है। सबसे पहले यहाँ आप वाटर ऐड कर दें, H2O में ऐड कर देंगे, ठीक है। वाटर ऐड करने के बाद अब इसकी आप पार्ट कर दें, फर्स्ट पार्ट, ठीक है, ये आप नोट कर लें, देन आई रब इट, आर्सेनिक का नोट कर लें। अब इस नो PPT वाले पार्ट को लेंगे हम, यस, तो नाउ ऐड द वाटर एंड फर्स्ट पार्ट। एक तो आप इसका फर्स्ट पार्ट कर दें, दूसरा आप इसका सेकेंड पार्ट, ओके, दो पार्ट कर लें। फर्स्ट पार्ट में आपको क्या ऐड करना है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड H2S गैस, ऐड द अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड H2S गैस इज पास्ड, ऑरेंज PPT इज फॉर्म, ऑरेंज PPT विच कन्फर्म द SB3+, एंटीमनी कन्फर्म हो गया बेटा H2S पास करती। अब सेकेंड पार्ट में आपको क्या ऐड करना है, आयरन वायर एंड हीट। सेकेंड पार्ट में आपको आयरन वायर प्लस हीट, सेकेंड पार्ट में आपको आयरन वायर ऐड करना है, हीट करोगे ब्लैक PPT, अगर आपको ब्लैक PPT मिलता है अगेन SB3+ इज कन्फर्म, ओके। अगर आपको ब्लैक PPT नहीं मिलता सेकेंड पार्ट में, जैसे आपने Fe वायर ऐड किया ब्लैक PPT मिला तो आप एंटीमनी को कन्फर्म कर देंगे। इफ देर इज नो PPT, अगर यहाँ कोई प्रेसिपिटेट नहीं है तो हम किसका टेस्ट करेंगे बेटा, SN का।
ओके क्लियर. तो हाउ टू टेस्ट द एसएन, आयरन आपने डाल दिया था पहले, हीट कर दिया, ब्रैक पीपीटी आ गया तो एंटीमनी होगा, नो पीपीटी तो अगेन इसके टू पार्ट कर दें. दो टेस्ट लगाने हैं इसलिए दो पार्ट कर दो, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट. इसको मैं ऊपर नोट कर देती हूँ, आप इस तरह से नोट कर लें. देखिए दोबारा, अगर आपको कोई प्रेसिपिटेट नहीं मिलता तो हमें इसके दो पार्ट करने हैं. नाउ एट द टू पार्ट, ओके दो पार्ट करेंगे. फर्स्ट पार्ट में आपको क्या ऐड करना है, एच जी सी एल टू. फर्स्ट पार्ट में हम मर्क्यूरिक क्लोराइड ऐड करेंगे, एच जी सी एल टू, व्हाइट पीपीटी इज फॉर्म्ड. व्हाइट पीपीटी इज फॉर्म्ड विच कन्फर्म द एसएन. एंड नेक्स्ट व्हेन वी ऐड एनयूएच, अब आप इसमें सेकंड पार्ट में आप क्या ऐड करोगे, पहले एनयूएच, ओके तो व्हाइट पीपीटी मिलेगा आपको अगेन. अब इस व्हाइट पीपीटी में आपको डालना है सोडियम स्टेनाइट, सोडियम बिस्मिथ नाइट्रेट. व्हाइट पीपीटी में एनयूएच एंड सोडियम बिस्मिथ नाइट्रेट. व्हाइट पीपीटी में आपको ऐड करना है सोडियम हाइड्रोक्साइड, एनयूएच एंड सोडियम एंड बिस्मिथ नाइट्रेट. सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड बिस्मिथ नाइट्रेट. तो व्हेन वी ऐड सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड बिस्मिथ नाइट्रेट, ब्लैक पीपीटी इज ऑब्टेंड. ब्लैक पीपीटी इज ऑब्टेंड विच कंफर्म द एसएन 2+ और एसएन 3+. तो नाउ क्लियर द सेकंड ग्रुप. तो देयर आर रेडिकल्स, दीज आर द रेडिकल्स विच आर प्रेजेंट इन सेकंड ग्रुप. तो SN2+ का आप टेस्ट इस तरह लगाएंगे, इफ देर इज नो पीपीटी देन एड द फर्स्ट पार्ट इन HgCl2, इन सेकंड पार्ट NaOH ऐड करना है, फिर NaOH को आपको एक्सिस में ऐड करना है, व्हाइट पीपीटी मिलेगा, अगेन NaOH ऐड करें, बिस्मिथ नाइट्रेट ऐड करें, ब्लैक पीपीटी विज कन्फर्म द SN2+ आयन. So it's clear. Now this class is complete. Best of luck, all of you.